Hello dear students, a very warm welcome of each and every one of you on Nehal Virtual School YouTube channel. This is your mentor Rahul Parmar in front of all of you, your mentor for the subject economics. And today I am here in front of all of you to discuss a wonderful law of economics, and the law name is लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो लॉ बहुत बेहतरीन लॉ आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड. क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. और बहुत ही शानदार आप लोगों को आज समझ में आने वाला है लॉ ऑफ डिमांड. क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज की जब प्राइसेस इंक्रीज होती है सो आप लोग जनरली उसकी कम क्वांटिटीज को डिमांड करने लगते हो, और जिस समय किसी चीज की प्राइसेस कम होती है तो आप उसकी ज्यादा क्वांटिटीज को डिमांड करने लग जाते हो, है ना. कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज की प्राइस एज इट इज है, आपका इनकम लेवल इंक्रीज हो गया, आपने उसी कमोडिटी की डिमांड को इंक्रीज कर दिया, और अगर आपकी इनकम कम हो गई तो सेम प्राइस पे आपने उस कमोडिटी की डिमांड को डिक्रीज कर दिया. कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होगी कि आप एक्स कमोडिटी लेने के लिए गए और वाई कमोडिटी लगभग उसके जैसी ही है, वही पर्पस आपका फुलफिल करती है, वो वाई कमोडिटी सस्ती होती है तो आप एक्स की जगह पे वाई कमोडिटी लेके आ जाते हो. ऑलराइट, और अगर एक्स कमोडिटी सस्ती हो जाएगी तो वाई लेने जा रहे हो, एक्स लेने लग जाते हो. ये जो सारी चीजें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आपकी कमोडिटी की डिमांड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. ओके, और उसमें से एक फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. उसी प्राइस ऑफ द कमोडिटी में जब इंक्रीज देखने को मिलता है तब जनरली हम लोग कहते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है. लेकिन हमेशा सिर्फ ऐसा नहीं होता, ठीक है, कि प्राइस कम होगी और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर साथ में इनकम भी कम हो जाए आपकी, ओके, तो कोई चीज भले ही कम प्राइस की हो, ओके, फिर भी आप उसकी शायद डिमांड ना बढ़ाओ अगर आपकी इनकम भी चेंज हो गई, ठीक है. ऐसे ही अगर आप लोग समझ लीजिए कि कोई चीज एक्सपेंसिव हो रही है लेकिन आप उसको और ज्यादा प्रेफर करने लगे, समथिंग विच यू आर नॉट बेसिकली प्रेफरिंग अर्लियर. आप किसी चीज को पहले प्रेफर नहीं करते थे लेकिन अब आज उसको प्रेफर करने लग गए, आपका टेस्ट उसकी तरफ फेवरेबली डेवलप हो गया, ठीक है, आप उसको ज्यादा पसंद करने लग गए, फिर वो चाहे महंगी भी होगी फिर भी आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे. यानी यहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो वाइड हो जाएगा, काम नहीं करेगा. तो एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ जनरली एक लेमैन समझता है कि प्राइस बढ़ जाए क्वांटिटी डिमांडेड घट जाए, प्राइस घट जाए क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, ओके, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है. जनरली ऐसा नहीं होता. लॉ ऑफ डिमांड को टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझना है तो बहुत आसान शब्दों के अंदर मैं आज आप लोगों को समझा देता हूं कि व्हाट इज एक्चुअली लॉ ऑफ डिमांड. ओके, देखो, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं उनके नाम में लिखता हूं, ठीक है ना. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, है ना, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला जो फैक्टर होता है, है ना, जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है सर प्राइस ऑफ ओन गुड्स. ओके, यानी जिस कमोडिटी की हम लोग बात कर रहे हैं उसी गुड्स की प्राइस, जैसे कि मान लीजिए मैंगो की डिमांड की बात कर रहे हो, दूध की डिमांड की बात कर रहे हो, तो उसी की प्राइस. ओके, सेकेंड जो एलिमेंट होता है वो होता है सर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है ना. अब ये रिलेटेड गुड्स जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है सर सब्स्टिट्यूट गुड्स, है ना, और एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, क्लियर. सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर एग्जांपल मैं देने बैठूं आप लोगों को तो जैसे मान लीजिए टी एंड कॉफी, है ना, चाय और कॉफी, या फिर एग्जांपल ले लीजिए माजा एंड स्लाइस, दोनों ही कोल्ड ड्रिंक है और दोनों ही मैंगो ड्रिंक्स है. ओके, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जांपल हो गई. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ पर्टिकुलर वांट. किसी एक वांट को सैटिस्फाई करने के लिए इन दोनों को एक की जगह पे दूसरा कर यूज कर सकते हो, तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स होती है, ठीक है ना. इसको स्थानापन्न वस्तुएं भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे हो गई सर, जैसे कि मान लीजिए किसी एक चीज को, किसी एक डिजायर को फुलफिल करना है. मान लो आपको ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन जाना है, ओके, चार लोग हैं, आपको कार की जरूरत पड़ेगी, ओके, लेकिन कार के साथ में पेट्रोल या फिर डीजल या फिर सीएनजी ये भी भरवाना पड़ेगा, तो कार और पेट्रोल साथ साथ काम आएंगे. ओके, आपको कुछ चीज लिखनी है, ओके, तो ना केवल आपको पेन चाहिएगा लेकिन साथ साथ में आपको इंक भी चाहिएगी, है ना, आपको इंक भी चाहिएगी, ठीक है. सो ये किसी एक वांट को फुलफिल करने के लिए एक साथ काम आने वाली चीजें हैं. सो अब यहां पे क्या होता है कि अगर कार की प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल की डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की डिमांड के ऊपर इफेक्ट होगा, ठीक है ना. चलिए, फिर थर्ड पॉइंट होता है इनकम ऑफ द बायर, है ना, इनकम ऑफ अ बायर, यानी जिस बायर की बात कर रहे हैं, जिस खरीदार की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम। फोर्थ आता है दोस्तों टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ अ बायर। ओके, किसी पर्टिकुलर बायर की पसंद, उसके प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें भी किसी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी मैं इन चार फैक्टर्स के ऊपर ही बात कर रहा हूं, है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस, है ना, या चेंज इन फ्यूचर अवेलेबिलिटी, सीजन एंड वेदर। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी कमोडिटी की जो डिमांड है उसको क्या करते हैं सर, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो अभी मैं इन चार फैक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूं। अब जब मैं यहां पर बात करूंगा इस प्राइस के अलावा, है ना, प्राइस ऑफ ओन गुड्स के अलावा जितने भी फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा, तो ये हैं सर अदर फैक्टर्स। ये कौन है सर? अदर फैक्टर्स। ओके, या इसको बोलेंगे फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। ओके, तो इसको मैं अदर फैक्टर्स बोलूंगा या फिर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस बोलूंगा ना, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ओके ऑफ गुड्स। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ ये नहीं कहता कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम होती है। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब ये जो अदर फैक्टर्स है ना, ओके, ये जब अदर फैक्टर्स है, इन अदर फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज ना आए, अदर फैक्टर्स के अंदर कोई चेंज ना आए, और तब अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीज हो जाए तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स कमोडिटी की डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्स कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हो? यानी अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हो रही है, आप माजा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, माजा की प्राइस इंक्रीज हो रही है, उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जब माजा की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो होना क्या चाहिए, माजा की क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, जब माजा की प्राइस इंक्रीज हुई, साथ ही साथ में स्लाइस की भी प्राइस इंक्रीज हो गई, तो जो कस्टमर स्लाइस खरीदते थे वो बोल रहे हैं भैया अब तो स्लाइस महंगी हो गई, हम चलो माजा पे चलते हैं। तो माजा की कीमत में या प्राइस में इंक्रीज होने के बावजूद भी ओके उसकी डिमांड हो सकता है बढ़ जाए अगर इसमें चेंज आ गया तो। समझ गए? ओके, अगर मैंने कहा माजा की प्राइस बढ़ जाए, तब उस इंसान की इनकम 10,000 रुपए थी जब माजा की प्राइस नहीं बढ़ी थी, आज उसकी इनकम भी 20,000 हो गई और माजा की प्राइस भी बढ़ गई। तो हो सकता है वो क्वांटिटी डिमांडेड कम ना करे, वो बोल रहा है भैया आप तो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, ओके डिमांड काहे को कम करे। ठीक है, तो हम यहां बात करते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड तभी एग्जिस्ट करेगा जब अदर फैक्टर्स में किसी तरह का चेंज ना हो, ऑलराइट, और प्राइस इंक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाए और प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए, यानी ओके यानी नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन, है ना, एग्जिस्ट बिटवीन पीएक्स एंड क्यूडी एक्स। ओके, किसी कमोडिटी की डिमांड के बीच में, ओके किसी कमोडिटी की डिमांड के बीच में और साथ ही साथ में उसकी प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, ओके साथ ही साथ में उसकी प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बेसिकली क्या कहता है सर, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ये क्या कहता है सर, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ओके, लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जो फैक्टर्स हैं अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी वो कांस्टेंट रहें, और प्राइस इंक्रीज हो जाए तो प्राइस इंक्रीज होने पे ओके क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी और प्राइस डिक्रीज होने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, यानी इनवर्स रिलेशनशिप होगा किसके बीच में, पीएक्स के बीच में और क्यूडी एक्स के बीच में। दिस इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ डिमांड। ऑलराइट, तो लॉ ऑफ डिमांड क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट, और ना केवल क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, आम जनता जनार्दन के लिए भी समझना बहुत जरूरी है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, सो ये लॉ ऑफ डिमांड जनरली हर इंसान बोल देता है नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में, लेकिन ये जो एलिमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट होने चाहिए, प्राइस के अलावा बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, सो आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है। ओके, सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ऑन अ वेरी सिंपल नोट कहता है, ठीक है ना, कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, है ना, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब क्या हो गया कि जो फैक्टर्स हैं प्राइस को छोड़ के वो सारे के सारे क्या होने चाहिए सर, सेम होने चाहिए यानी इक्वल होने चाहिए, और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये जो फ्रेज है ओके, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, सैटरिस पैरिबस भी कहते हैं ना, सैटरिस पैरिबस भी कहते हैं। सो अगर आपको अपने इकोनॉमिक्स का जो ज्ञान है उसको बढ़ाना, इफ यू वांट टू एनहांस द नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑलराइट, देन ये सैटरिस पैरिबस टर्म भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें आपको टाइम टू टाइम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट से मैं अपडेट करता रहूंगा, डिटेल के अंदर हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ओके, यानी सैटरिस पैरिबस देयर एग्जिस्ट अ नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन किसको बोलते हैं, जब दो वेरिएबल्स हो, दो चीजें हो, उसमें से एक बढ़े तो दूसरी कम हो, एक कम हो तो दूसरी बढ़ जाए, इसको आप नेगेटिव रिलेशन बोलते हो। अगर एक बढ़े दूसरी बढ़ जाए तो पॉजिटिव रिलेशन होता है, एक घट जाए दूसरी घट जाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब दो चीजें सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करें, दोनों इंक्रीज हो या दोनों डिक्रीज हो तो ये होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप, दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करें तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बोलता है नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है सर ओके, किसके बीच में एग्जिस्ट करता है सर, बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना, क्लियर, एंड इट्स प्राइस, उसकी डिमांड के बीच में और उसकी प्राइस के बीच में। सो नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, है ना, बिटवीन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस, उसकी डिमांड के बीच में और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, है ना, जब प्राइस किसी कमोडिटी का क्या करता है सर, इंक्रीज करता है ओके तो जो डिमांड है उसी कमोडिटी की ये बेसिकली क्या करती है सर, फॉल करती है, ठीक है ना। एंड व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑलराइट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस, डिमांड फॉर इट राइजेस ओके, अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अगेन बोल देते हैं, अदर फैक्टर्स में जब कोई चेंज ना हो, यानी सर कांस्टेंट रहे, बाहर लगाया ओके जब पी एक्स इंक्रीज होता है तो क्यू डी एक्स जो है वो डिक्रीज होता है, पी एक्स डिक्रीज होता है तो क्यू डी एक्स इंक्रीज होता है, यानी सर नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन रहता है, है ना, किसके बीच में सर, बिटवीन पी एक्स एंड क्यू डी एक्स ओके, बिटवीन पी एक्स एंड QDX, ओके। अब यहां पे कई बार पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि इस लॉ ऑफ डिमांड की assumptions क्या है ओके, मान्यताएं क्या है, किन के ऊपर बेस्ड होता है, तो these are the assumption, ये जो आपको दिख रहा है ना अदर फैक्टर रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ये assumptions है, ऐसा हम मानते हैं तभी नेगेटिव रिलेशनशिप हम बोलते हैं ओके। सो व्हाट आर द assumptions, तो एग्जाम में कई बार assumptions भी पूछ लेता है। देखो assumptions क्या है, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, है ना, अदर थिंग्स का मतलब क्या हो गया, अदर थिंग्स का मतलब हो गया फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी सर खुद की प्राइस के अलावा बाकी सारी चीजें क्या रहनी चाहिए सर, सेम रहनी चाहिए, तो फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। सो देयर शुड बी नो चेंज, किसके अंदर नो चेंज होना चाहिए, प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट की प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बिल्कुल सेम होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज, ऑलराइट, एन इनकम ऑफ द बायर, इनकम जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द बायर ओके, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है ओके ये क्या रहने चाहिए सर, सेम रहने चाहिए, ऑलराइट। एंड फाइनली देयर शुड बी नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। मान लीजिए आप किसी कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं, उसकी जो प्राइस है वो 10 रुपए है ना, 10 रुपए पर कमोडिटी है, आपको लगता है कि यार फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, है ना, फ्यूचर में बढ़ेगी ऐसा लगता है, तो आप आज ही इसकी कांस्टेंट प्राइस के ऊपर डिमांड क्या कर दोगे सर, बढ़ा दोगे। अब आपने बोला सर इसकी प्राइस तो गिरी नहीं, फिर भी डिमांड क्यों बढ़ाई आपने, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि फ्यूचर में क्या हो जाएगी सर, प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने आज ही इसकी जो डिमांड है वो बढ़ा दी, तो ये हो गया अदर फैक्टर्स ओके, यानी यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया, ऑलराइट, यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं किया। सो देयर शुड बी नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल सी assumptions होती है, इसके बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और अदर फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब अगर इसको डायग्राम से आप लोग थोड़ा सा देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो हो क्या रहा है सर ओके, हो रहा है कि मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस 3 रुपए है ना, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम वो 30 यूनिट्स की क्या करता है सर, डिमांड करता है, ठीक है। अब मान लीजिए 3 रुपए से इसका जो प्राइस है वो 5 रुपए यूनिट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे 3 रुपए से 5 रुपए यूनिट होता है, डिमांड क्या हो जाती है सर, कम हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही पी एक्स जो है वो बढ़ता है, ठीक है, तो ये जो डिमांड है ना, ये जो डिमांड है ये क्या हो रही है सर, कम हो रही है। और अगर ये प्राइस 3 रुपए से 1 रुपए हो जाता है, ठीक है, यानी सर प्राइस जो है वो कम हो रहा है, तो जो डिमांड है वो बेसिकली क्या हो रही है सर, बढ़ रही है, क्या हो रही है सर, डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। सो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, 3 से 5 हुआ, 30 से क्या हो गई सर, डिमांड 10 हो गई, और प्राइस 3 से 1 हुआ, डिमांड कितनी हो गई सर, 30 से 50 हो गई, ठीक है। सो बेटा अगर इसको आप लोग डायग्रामेटिकली प्लॉट करोगे, यानी सर डायग्राम बनाओगे, तो लॉ ऑफ डिमांड के कारण ही बेटा ध्यान रखना है ना, लॉ ऑफ डिमांड के कारण ही जो डिमांड कर्व होता है है ना, यानी जो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बताता है वो कर्व नेगेटिव स्लोप्ड होता है या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो ये कर्व कैसा बना दोस्तों, ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो जरा कैसे बनेगा ये कर्व। देखो जब प्राइस 5 रुपए है ना, जब प्राइस 5 रुपए है, ठीक है, उस समय डिमांड कितनी है सर, 10 यूनिट्स के आसपास की डिमांड है। जब प्राइस अपनी कितनी हो गई सर, जब प्राइस सपोज कर लीजिए, जब प्राइस 1 रुपीज के आसपास हो गई, तब डिमांड कितनी हो गई सर, 50 हो गई। ओके, और प्राइस जब मान लीजिए ये जब 3 रुपीज हो गई, ओके, तब ये कितनी हो गई सर, 30 हो गई। ठीक है, सो ऑन अ वेरी सिंपल नोट वी विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनिशियली प्राइस 3 थी और डिमांड कितनी थी सर, 30 थी। ठीक है ना, डिमांड 30 थी। अगर प्राइस क्या हो गई सर, बढ़ गई है। अगर प्राइस क्या हो गई सर, बढ़ गई। अब ध्यान रखेंगे कि प्राइस जो कि होता है सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसको हम लोग रखते हैं ओवाई एक्सिस पे, और जो डिमांड होती है ना, जो कि होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिमांड किस पे डिपेंड करती है, प्राइस के ऊपर, उसको हम लोग रखेंगे ओएक्स एक्सिस के ऊपर। तो जैसे ही प्राइस जो है वो क्या हो गया सर, इंक्रीज हो गया, ठीक है, वैसे ही जो डिमांड है वो बेसिकली क्या हो गई सर, कम हो गई। ठीक है, तो यहां से ओके, यहां से इस तरफ क्या हो गया सर, मूवमेंट हो गया, यानी सेम कर्व के ऊपर ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा सर, मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और अगर मान लीजिए प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, प्राइस जो है वो क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया, यानी 3 से 1 रुपए हो गया, तो जो डिमांड है वो बेसिकली क्या हो जाएगी सर, 30 से 50 हो जाएगी, यानी सेम कर्व के ऊपर क्या हो जाएगा सर, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इन पॉइंट्स को अगर हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसको ए पॉइंट दे दे, ओके, या इसको मान लीजिए ए पॉइंट दे देते हैं, ठीक है, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, इसको सी पॉइंट दे देते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो जिस समय पे प्राइस इंक्रीज होता है उस समय क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ठीक है, तो ये कैसे शो हुआ, ये शो हुआ सेम डिमांड कर्व के ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट, है ना, ऊपर की तरफ मूवमेंट। और इसी चीज को आप क्या बोलते हो सर, ओके, इसको क्या बोलते हो सर, प्राइस इंक्रीज हुआ, है ना, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई सर, कम हो गई। प्राइस इंक्रीज हुआ, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई सर, कम हो गई। अब जब प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो इसको क्या बोलते हो सर, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, है ना, इसको इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाता है। ठीक है, और अगर जिस समय पे प्राइस जो है वो डिक्रीज हुआ था 3 से 1, तो प्राइस डिक्रीज हुआ और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, किसकी, एक्स की, है ना, एक्स की भैया क्वांटिटी पहले 30 डिमांड हो रही थी, 50 डिमांड हो रही है, इंक्रीज हो गई, तो इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सटेंशन, ओके, इन डिमांड, है ना, एक्सटेंशन इन डिमांड दोस्तों, समझ गए, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, और जब प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुई, तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ओके, और ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कैसे शो होता है, ठीक है ना, अपवर्ड मूवमेंट, ये शो होता है सर अपवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। ओके, और ये जो एक्सटेंशन इन डिमांड है किसकी वजह से हुआ, प्राइस में कमी की वजह से। इस एक्सटेंशन इन डिमांड को कैसे शो करते हो, डिमांड कर्व के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट, है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व, ना, सेम डिमांड कर्व के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट, सेम डिमांड कर्व के ऊपर डाउनवर्ड मूवमेंट। ऑलराइट, सो इसको बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलोगे सर एक्सटेंशन, इसको बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलोगे सर एक्सटेंशन, कहां, बी से सी, ऑलराइट, और इसको बोलोगे सर बी से ए। ऑलराइट, तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ, डिमांड कम हुई, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शन, या फिर इसको डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड बोल दो, और जब प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड बढ़ गई, तो इसको बोलो इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर एक्सटेंशन इन डिमांड। ओके, तो ये क्या था बेटा, ये था लॉ ऑफ डिमांड। ओके, दिस वाज द लॉ ऑफ डिमांड। ओके, नाउ देयर आर द केसेस, ऐसे भी केसेस होते हैं जहां पे ये जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी सर नेगेटिव रिलेशनशिप जो है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एग्जिस्ट नहीं करती। वो केसेस कौन कौन से हैं, अगर आपको जानना है तो जुड़े रहिएगा इस चैनल से, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा राइट इन द अपकमिंग सेशंस. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं आपसे राइट इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय एवरीवन. थैंक यू सो मच.